माइंड यानी मन, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और शायद आपको ये भी पता हो, जो हमारा माइंड है वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं सचेत मन, और सेकंड होता है सब कॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं अवचेतन मन। तो क्या आपने कभी सब कॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में सुना है, या फिर किसी मूवी में देखा है? और क्या आपको पता है क्या होता है अगर कोई भी बात आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, कुछ ऐसा जो आप सोच भी नहीं सकते? तो इसको पता लगाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। इस चैलेंज से आपका माइंड भी टेस्ट हो जाएगा कि कैसा है। तो इस चैलेंज में आपको ये काउंट करना होगा कि मैंने माइंड वर्ल्ड इस वीडियो में कितनी बार बोला है और कितनी बार बोलने वाला हूँ। तो अगर आपको चैलेंज एक्सेप्ट है तो कमेंट्स में चैलेंज एक्सेप्टेड और नीचे आपका आंसर जरूर बताना। तो चलिए अब देख लेते हैं माइंड के बारे में। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें हम अपनी पूरी लाइफ में करते हैं उसका कंट्रोल कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के हाथ में होता है। कॉन्शियस माइंड तो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जान लेना चाहिए। और आपकी लाइफ में 90% डिसीजंस आप अपने सब कॉन्शियस माइंड से लेते हो। तो आपके माइंड की जितनी भी सुपर पावर है वो सब कॉन्शियस माइंड में ही है। तो ज़रा सोचिए, क्या आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब उसको 70 टाइम्स ही 1 मिनट में बीट कराना, तो वो आप कर सकते हैं क्या? और क्या आप अपने डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं ना, ना ही वो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन कर रहा है ये सब? तो दोस्तों, इसका एक बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, जो है सब कॉन्शियस माइंड। अगर मैं कहूँ जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो आपके माइंड का पावर हाउस है, और इसमें इतनी पावर है ना जिसका हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। और आपका सब कॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है कि आप कौन हो और आपका बिहेवियर कैसा है। हैबिट्स, आदतों के बारे में तो सभी ने सुना होगा, तो यह टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप उठते हो तो आप लोग क्या करते हो, मोबाइल को हाथ में लेकर मैसेजेस चेक करते हो, और ये आपका रूटीन या आप कह लो उसका हैबिट बन जाती है। लोगों को ये तो पता है कि आदत को जल्दी से छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यह बहुत कम को पता होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ये है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें यह चीज फीड हो जाती है, क्योंकि हम इसको बार बार दोहराते हैं, राइट? तो यह इसमें फीड हो गई तो आपसे वो काम करा कर ही रहता है जो आप डेली करते हो। अगर आप नहीं भी चाहोगे आप फिर भी मोबाइल उठाओगे। और लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमको पता है और हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है कि वह गलत है और इसके रिजल्ट में ये हो सकता है, लेकिन हमारे सब कॉन्शियस माइंड को उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। और सब कॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, इसलिए आप वो काम कर ही देते हो, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि अगर गलती से कोई भी बात आपके सब कॉन्शियस माइंड में फीड कर दी जाए तो उसको सच होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब कोई भी बात अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली गई और माइंड नहीं देखेगा कि वो सही है या वो गलत है, वह सिर्फ उसको रियलिटी बनाने में जुट जाएगा और उसको रियलिटी बनाकर ही छोड़ता है। और अब तक साइंटिस्ट भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि सब कॉन्शियस माइंड में ऐसी पावर्स कहाँ से आई और ऐसी कितनी और पावर्स हैं हमारे माइंड के अंदर। या एक मिस्ट्री वाला टॉपिक है, मिस्टीरियस, राइट? तो दोस्तों, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कोई आसान तरीका नहीं आ गया जिससे हम अपनी बात को जल्दी समझा सकें। तो दोस्तों, एक तरीका है, और आपको मैं एक एग्जांपल के आधार से समझाता हूँ। तो आप ये सोच लो कि आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो एक प्रॉपर्टी है, और उसके बाहर कॉन्शियस माइंड एक वॉचमैन या फिर एक बॉडीगार्ड की तरह खड़ा है। तो अगर आपको कोई भी बात अंदर पहुंच जानी है उस प्रॉपर्टी में, तो आपको उस बॉडीगार्ड को समझाना होगा या फिर उसको हराना होगा, राइट? तो आपको पहले इस बॉडीगार्ड को रास्ते से हटाना होगा, राइट? तो अगर आप किसी तरीके से इस बॉडीगार्ड को हरा दो तो आपको उस सब कॉन्शियस प्रॉपर्टी के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो आप बात उस प्रॉपर्टी में या फिर उस माइंड में पहुँचाना चाहेंगे वो आपको ईजिली कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, ये इतना भी आसान नहीं है कि जितना आपको लग रहा है कि आप कॉन्शियस माइंड को इजीली हरा दोगे
सही में बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिसकी हेल्प से आप कॉन्शियस माइंड को पार कर सकते हो। तो चलते हैं फर्स्ट एंड बेस्ट टिप की तरफ, तो वो है एफर्मेशंस। तो शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और आपको ये यूट्यूब पर इजीली मिल जाएंगी। तो अब आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों आपको इसको डेली सुनना होगा, तो अगर आप इसको डेली सुनोगे तो एक ही बात आपके माइंड में बार बार जाकर स्ट्राइक करेगी। अगर कोई भी बात आपके कॉन्शियस माइंड में बार बार स्ट्राइक करती है तो कॉन्शियस माइंड समझता है कि वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको बार बार बता रहे हो तो वो उसको सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा ही देता है। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखोगे और बार बार नेगेटिव सोचोगे तो कॉन्शियस माइंड उसको सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देगा, और फिर वो अगर नहीं भी होना होगा तब भी होकर ही रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो आउटलेट है आउटकम वो अच्छा हो, तो पहले अपने इनलेट को अच्छा कीजिए। इसलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए सोशल मीडिया का जो गंद है उसको इनलेट मत बनाइए। अगर आप उसको इनलेट बनाएंगे तो आपका जो आउटलेट है वही होगा। इसलिए अच्छी बुक्स, अच्छी बायोग्राफी और अच्छी अच्छी बातें सुनिए, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो दोस्तों आपका शायद यहाँ से कोई डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों कहते हैं वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स वी स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ द डे विद देम। इसका मतलब कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो। तो इसलिए अपने जो फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा रखें जो मतलब गुड थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग वाले। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों क्या आपको पता है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कब रहता है? वैसे तो ये सारा दिन एक्टिव रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव पूछ रहा हूँ मैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। तो हमारा जो माइंड होता है वो रात को जब हम सोने वाले होते हैं उससे 5 मिनट पहले सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो मतलब जो लास्ट के हमारे दिन के 5 मिनट हैं वह एक गोल्डन टाइम है। उस गोल्डन टाइम को आप यूज़ कर सकते हो। आप उस टाइम अपने ब्रेन को ऐसी इन्फो दो कि जो आप चाहते हो कि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी बात को सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा ही दोगे। तो गाइज ये तो थी 2 मेन टिप्स, बाकी टिप्स हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। और आज की वीडियो के शाउट आउट है मिस्टर अभिषेक को, उन्होंने राइट आंसर दिया था पिछली वीडियो में। अगर आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैंने माइंड वर्ड का इस्तेमाल कितने बार किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को व्हाट्सएप पर एंड बेल आइकन को दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो सायोनारा एंड साइनिंग ऑफ।